तू बोलेगा, ये बोलेगा। मैं आपको नाम नहीं बोल रहा हूँ। इसको पहुंच चुप रहे, आओ चुप रहे आप। इसको बोल रहे चुप रहे, ये चुप। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि सिक्योरिटी लग के सारे के सारे अपना हाल छोड़ दूंगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ एक गालीबाज महिला के बारे में। नोएडा की रहने वाली यह गालीबाज महिला ने सिक्योरिटी गार्ड को इसलिए गाली दी कि सिक्योरिटी गार्ड ने बस गेट खोलने में, मेन गेट खोलने में थोड़ी सी लेट कर दी। जब तक वो गाड़ी का नंबर नोट नहीं करता तब तक वो गेट नहीं खोलता। बस इसी बात को लेकर उस महिला ने सिक्योरिटी गार्ड को इतनी गाली दी कि सुनने वाले भी हैरान हो गए। इस गालीबाज महिला पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया है। ये गालीबाज महिला गूगल पर इतनी छाई हुई है कि हर जगह यह गालीबाज महिला ही दिख रही है और कहीं ना कहीं इस पर हर लोग वीडियो बना रहे हैं। ये गालीबाज महिला ने सिक्योरिटी गार्ड को तो गाली दी है, साथ में बिहारियों को भी गाली दी है। तो मेरा आपसे पूछना है कि इसमें बिहार की क्या गलती है। और जहां तक बताया जा रहा है कि यह पेशे से वकील है, और मैं आपको बता दूं कि इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, 14 दिन की सजा है इसे, 14 दिन के बाद यह फिर से छूट जाएंगी। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये कहना है कि ये सजा बहुत ही छोटी है। जैसा कि मनीष कश्यप जी ने भी इन पर एक वीडियो बनाया है, उन्होंने कहा है कि ये इनकी सजा कम है। उनका ये कहना है कि ये पूरे सिक्योरिटी गार्ड से जब तक माफी नहीं मांगती है तब तक वहां पर धरना प्रदर्शन करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि तब पूरे वो सिक्योरिटी गार्ड से और बिहारियों से जब तक माफी नहीं मांगती तब तक उन्हें गालीबाज महिला के नाम से बुलाया जाए। जो भी उन्हें देखें तो बस बोले कि यही थी वो गालीबाज महिला। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह महिला ने किस तरीके से गाली दी है। तू बोलेगा, ये बोलेगा। मैम आपको नाम नहीं बोल रहा है। इसको पहुंच चुप रहे, आओ चुप रहे आप। इसको बोल रहे चुप रहे, ये चुप। शांति में रहती हूँ, शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि सिक्योरिटी लग के सारे के सारे तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यह किस तरीके से गाली दे रही है। सो गाइस, आपके हिसाब से इसकी सजा क्या होनी चाहिए हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। जय हिंद।